हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों ये स्नैप बटन मशीन है। इस स्नैप बटन मशीन में प्रॉब्लम यह है कि इस मशीन की मोटर बिल्कुल चल रही है लेकिन डाई होल्डर को अप डाउन नहीं कर रही है। तो इसी पे वीडियो है, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो यही है स्नैप बटन मशीन जो लगी हुई है। तो ये लगाने के लिए हम जब स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चल रही है लेकिन जो हमारी होल्डर डाई है जिससे ये डाई से हम बटन लगाते हैं वो बिल्कुल नहीं चल रही है, तो वो बंद हो जा रही है। बंद क्या, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो इसी पे हम आपको दिखाएंगे कि ये जैसे एक गांव में इसको चुटपुटी मशीन बटन कहते हैं, तो इसी तरह ये अलग अलग इसकी भाषाएं हैं। तो हम मशीन को खोल रखे और आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो ये नहीं चल रही थी। इसमें ये देखो एक लिमिट स्विच लगा होता है, ये देखो इसने बटन मशीन है। तो इसकी जो ये स्विच देख रहे हो, लिमिट स्विच होती है, ये टूट गई है और ये नहीं चल पा रही है। तो इसी स्विच को हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये जब ये ऑन ऑफ होती है ना, नीचे ऊपर करता है ये, तो ये स्नैप मशीन इसी पे काम करने लगती है। तो इस स्विच को हम चेंज करेंगे और फिर इसमें अगर ये स्विच नहीं मिल रहा है तो उसको हमें चेंज करके इसमें दूसरा कोई स्विच डाल देना है जो 3 पॉइंट का होना चाहिए। 3 पॉइंट का रहेगा तो आराम से हम इसको लगा सकते हैं। जैसे हम इधर दिखा रहे हैं तो ये एक KKY जीपर की मशीन है ये। तो इसको हम स्विच को अब चेंज कर दिए हैं, देखो इसको हम चेंज करके और फिर इसको चलाएंगे। तो इसको चेंज करने के लिए कोई वही मशीन है, देखो बिल्कुल चलने लगी और काम कर रही है, बिल्कुल सही तरह से चलने लगी। तो इसी को हमने यहाँ पे चेंज किया हूँ, ये हमारे पास रखा हुआ था, हम इसको लगा के चेंज कर दिया हूँ। तो ये वर्किंग काम बिल्कुल कर रहा है। और अब ये डाई देखो जो इसका होल्डर डाई है बिल्कुल अप डाउन करने लगी है। ये देखिए होल्डर डाई गिर रही है आराम से। तो इस प्रकार से आसानी से इसको हम चेक करें और काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम, वो देखे एक बार दबाने के बाद देखो दो बार इसकी होल्डर डाई गिर रही है, ये नहीं गिरना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे। तो अभी तो जो इसमें प्रॉब्लम थी कि ये होल्डर डाई नहीं चल रही थी, अभी होल्डर डाई बिल्कुल चलने लगी है।